देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, 67,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश भर में कोरोना से 2,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 20,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 832 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 13,700 के पार। धारावी में भी कोरोना के 26 नए मरीज आए सामने। रेल सेवा बहाल करने के दिशा में रेलवे का बड़ा फैसला, कल से दिल्ली और देश के 15 शहरों के बीच चलाई जाएंगी ट्रेन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर और रांची के लिए चलेंगी ट्रेन। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से शुरू होगी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बुक करवाए गए टिकट पर ही कर पाएंगे सफर। जांच के बाद सिर्फ कंफर्म टिकट वाले शख्स को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की होगी अनुमति। फिलहाल ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। गुजरात में 8,000 से ज्यादा पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 493 की गई जान। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले गिरोह का खुलासा, 2 ट्रक में मिले 100 मजदूर। आर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए, जेल में अब तक कुल 158 कैदी कोरोना संक्रमण से पीड़ित। मुंबई के भाईखला जेल में महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। मरीन ड्राइव से हुई पूनम और सैम की गिरफ्तारी, लॉकडाउन के बीच बीएमडब्ल्यू से तफरी के लिए निकले थे। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन, एयर इंडिया के विमानों से मलेशिया से रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों समेत 177 भारतीय। मनीला से 241 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा विमान। अमेरिका से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीयों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान, गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी। एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित। भारत ने बनाया कोरोना कवच, एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट एलिसा तैयार। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं वार्ता। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट से संबंधित बातों पर चर्चा संभव, उद्योग जगत के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर भी हो सकता है मंथन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराया गया अस्पताल में एडमिट। मुलायम सिंह यादव की भी बिगड़ी सेहत, लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में, रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती।